हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू पोयम फ्रॉम योर हनीकॉम बुक। द नेम ऑफ द पोयम इज द रिबल एंड दिस पोयम इज कंपोज बाय डीजे एंड राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। डू यू हैव एनी फ्रेंड स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी फ्रेंड हु गोज ऑलवेज अपोजिट ऑफ यू what you want? For example, if you want to stay inside and your friends want to go outside and to play outdoor games, so you know he is the person. What is the word which you will use to such a person who always goes to opposite of everything? That is rebel. Yes, that is rebel. Okay, rebel is that word that describe the person who always does the opposite. Yes student, rebel is the word that describe the person who always does the opposite. So let's read the poem. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. Means जब सब लोग अपने हेयर को शॉर्ट रखते हैं तो जो रिबेल है वो अपने हेयर को लॉन्ग रखना चाहता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. Means opposite. कि जब सारे लोग या जब आप लोग long hair रखना चाहते हो तो जो आपका opposite friend है या जो rebel है वो अपने hair को short रखना चाहता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. Means lesson in class if you study. मीन्स जब क्लास में आपकी पढ़ाई होती है तो जब सारे लोग कुछ बात करते हैं कुछ डिस्कस करते हैं तो रिबल जो है कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल साइलेंट होता है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द क्लास द रिबल क्रिएट्स अ डिस्टरबेंस। देन अगेन अपोजिट, जब क्लास के टाइम पे सारे लोग या सारे बच्चे शांत होते हैं तो जो रिबल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट्स करता है, मीन्स परेशान करता है, लोगों को बोलता रहता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब सारे लोग यूनिफॉर्म वेयर करते हैं तो जो रिबल है उसके क्लॉथ्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट, when everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. मीन्स पहले तो जब सारे लोग यूनिफॉर्म वेयर करते हैं तो जो रिबल है वो डिफरेंट क्लॉथ्स वेयर करता है, और अब जब सारे लोग अलग सा क्लॉथ्स वेयर करते हैं मीन्स डिफरेंट कपड़े पहनते हैं तो जो रिबेल है वो सिंपल और सोबर ड्रेस पहनता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। मीन्स अगर डॉगी बाकी लोगों को डॉग्स पसंद है तो रिबेल क्या प्रेफरेंस करता है? कैट्स। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। और जब उसके साथ वाले लोग या उनके आसपास वाले लोग कैट्स को पसंद करते हैं तो वो डॉग्स पसंद करता है, मीन्स ऑलवेज अपोजिट। व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। जब सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत तेज़ धूप होनी चाहिए, धूप अच्छी होती है, आज धूप होनी चाहिए, तो वो क्या कहता है? नहीं, आज तो बारिश होनी चाहिए। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. अब फिर वही अपोजिट कि जब सारे लोग ये चाहते हैं कि बारिश हो तो रिबल फिर वही कहता है नहीं, आज तो सन होना चाहिए था, धूप होनी चाहिए थी। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब सारे लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं तो जो रिबल है वो घर में रह के बुक्स पढ़ना पसंद करता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और जब सारे लोग घर पे रह के बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो जो रिबेल है वो क्या चाहता है कि वो मीटिंग में जाए। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. Means अगर आपको कोई चीज़ ऑफर करता है, कोई चीज़ आपको देता है कुछ, तो आप कहते हो हाँ हाँ ठीक है दे दो, तो रिबेल कहता है नहीं 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 चाहिए, थैंक यू। और when everybody says no thank you, the rebel says yes please. और जब सारे लोग ये कहते नहीं नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए, तब रिबल कहता नहीं नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन।
मीन्स ये तो अच्छी बात है कि रिबेल्स होनी चाहिए, आपके अपोजिट कोई ना कोई, आपके अगेंस्ट कोई ना कोई होना चाहिए। अदरवाइज जब सारे लोग एक जैसे होंगे तो किसी चीज़ की जो पॉसिबिलिटी है, जो अच्छाई है, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये अच्छा होता है कि एक रिबेल या अपोजिट होना चाहिए, तभी आपको लोगों की चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आती है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो विच इज़ ऑन यूट्यूब रिलेटेड टू दिस पोयम। सी दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोयम एंड एंजॉय ऑल्सो। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody's praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody says yes, please, the rebel says no, thank you. It is very good that we have rebels. You may